वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिप प्लस पर। और एक बार फिर से हम वेलकम करते हैं आपको इस सेशन के दूसरे वीडियो में। फ्रेंड्स, हमने कक्षा 6 के सोशल साइंस यानी कि ज्योग्राफी के सॉरी फ्रेंड्स ज्योग्राफी के फर्स्ट टॉपिक को रीड कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि हर सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक मैं आपको सीरियल वाइज करवाऊंगा। तो कक्षा 6 के विज्ञान का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है भोजन के स्रोत, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या है भोजन के स्रोत। फ्रेंड्स, आपको फिर से बता दूं कि एनसीईआरटी की जो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से बुक्स है, उनके हम टॉपिक्स कर रहे हैं। पहले 6वीं के करेंगे, फिर 7वीं के, 8वीं के, 9वीं के, 10वीं के, इस प्रकार से। और ये सभी कंपटीशन एग्जाम, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है और शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आज के सेशन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक का नाम है भोजन के स्रोत, सोर्सेस ऑफ भोजन। ठीक है, भोजन के स्रोत कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? फ्रेंड्स, मैंने टॉपिक में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उठाए हैं क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स का मतलब ही ये होता है, पूरा टॉपिक रीड करने की अपने को जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट है कि हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है इस टॉपिक में वो हम देखेंगे, और भोजन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, किस किस सोर्स से क्या क्या प्राप्त होता है, वो हम इस टॉपिक में सारा डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। नंबर 1, भोजन दैनिक कार्यों की पूर्ति हेतु ऊर्जा बनाए रखता है। जो भोजन है वो दैनिक कार्यों की, जो हम दिन भर में अपने कार्य करते हैं उनकी आपूर्ति हेतु ऊर्जा बनाए रखता है। मतलब दिन में कार्य करते हैं तो उनको करने के लिए ऊर्जा भी तो चाहिए, तो उन ऊर्जा को ऊर्जा की आपूर्ति करता है भोजन। भोजन शरीर की वृद्धि एवं विकास करता है। फ्रेंड्स देखिए, अपने अब जब जन्म हुआ था तो हम इतने एक थे, अब इतने बड़े हैं, तो शरीर की वृद्धि होती है और शरीर का विकास भी होता रहता है। तो ये हमारा शरीर की वृद्धि है, विकास होता है। रोगों से लड़ने की क्षमता बनाए रखते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता बनाए रखता है ताकि हमारा शरीर है वो स्वच्छ रहे और हम दिन प्रतिदिन के कार्य आसानी पूर्वक करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये होगी भोजन की आवश्यकता। अब देखते हैं भोजन के स्रोत। तो भोजन के स्रोत कौन कौन से हैं, मतलब भोजन हमें मिलता कहाँ कहाँ से है, सोर्स कौन कौन से है भोजन के। तो भोजन के दो दो प्रकार के सोर्स है, एक तो हमें पादपों से भोजन मिलता है और एक जंतुओं से भोजन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, पादपों से कौन सा मिलता है पहले वो देखते हैं, फिर जंतुओं के आधार पर देखेंगे। नंबर 1, भोजन के स्रोत के रूप में पादप। ठीक है फ्रेंड्स, भोजन के स्रोत के रूप में पादप। तो पादप कौन कौन से, नंबर 1 पे आ गया अनाज। अनाज 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 में क्या होता है, अनाज ये है कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत है। मतलब अनाज है जो किसके मुख्य स्रोत है, अनाज से हमें क्या प्राप्त होता है, तो अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है क्योंकि अनाज है जो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन कौन सा है पादपों में, तो वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, दालें। दालें हैं तो दालों से हमें क्या मिलता है, दालों से हमें प्रोटीन मिलता है। दालों से हमें क्या प्राप्त होता है, इससे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। आगे आगे क्या है, सब्जियां, मतलब कि वेजिटेबल्स। पौधों के विभिन्न भागों का सब्जियों के रूप में प्रयोग होता है, जैसे जड़ हो गया, तना, फल, पत्ती, फूल आदि। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब सब्जियां जब अलग अलग प्रकार से उगती है, कोई जमीन में उगती है, कोई तने मतलब ऊपर जमीन के ऊपर, तने में, कोई फूल के ऊपर, इस प्रकार से लगती है। तो पौधों के विभिन्न भागों को सब्जियों के रूप में प्रयोग होता है, जैसे जड़, कई पौधों के जड़ों का भी प्रयोग करते हैं अपने सब्जी में, फिर तने का भी होता है, फिर फल का भी होता है, पत्ती का भी होता है और फूल का भी होता है और आदि। इसी प्रकार से हम कई भागों का सब्जियों के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जियों के बाद आता है फल, मतलब फ्रूट्स। अब फ्रूट्स का क्या होता है, तो ये पौधों से प्राप्त भोज्य पदार्थ है, ये शर्करा एवं पोषक तत्वों से युक्त है। मतलब फ्रूट्स मीठे होते हैं, तो मीठे होने का उनका कारण क्या होता है कि उनमें शर्करा की आपूर्ति। तो फलों में क्या पाई जाती है, शर्करा और पोषक तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद आती है कि शर्करा, शर्करा क्या होती है, तो शर्करा क्या होती है, जैसे गुड़ हो गए, शक्कर और अन्य मीठे उत्पाद जैसे शहद वगैरह, वो क्या होती है, उसमें क्या होती है, शर्करा, इसी कारण वो हमें मीठे लगते हैं।
उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद मसाले। तो मसाले क्या होता है, को भोजन में स्वाद एवं पौष्टिकता बढ़ती है। मसालों से क्या होता है कि भोजन में स्वाद बढ़ता है और पौष्टिकता बढ़ती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पादपों में क्या आ गया, नेक्स्ट आ गया तेल यानी कि ऑयल। तो ये क्या, तेल क्या होते हैं, ऊर्जा के स्रोत होते हैं, उनसे वसा की भी पूर्ति होती है। तेल क्या हो गया, ऊर्जा के स्रोत। लास्ट क्या है, स्फूर्ति पेय। स्फूर्ति पेय होते हैं जैसे चाय होगी, कॉफ़ी होगी, जिनसे हमें दिन भर की स्फूर्ति मिलती रहती है, जिनको पीने से स्फूर्ति का अनुभव हो, तो वो क्या होगी, चाय और कॉफ़ी होगी। आगे पादपों के हो गए, आगे अब भोजन के स्रोत के रूप में जंतु, मतलब जंतुओं से हमें भोजन के, जंतुओं के कौन कौन से सोर्सेस हैं जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है। तो नंबर एक दूध, मिल्क। दूध से हमें क्या प्राप्त होता है, दूध से हमें क्या प्राप्त होता है, तो दूध से हमें कैल्शियम प्राप्त होता है। कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत रखने के में सहायक होता है। तो कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत रखने में सहायक होता है। और ये कैल्शियम मिलता कहाँ से है, तो दूध से हमें कैल्शियम मिलता है। आगे नेक्स्ट है शहद। शहद क्या है, शहद में औषधीय गुण होते हैं। हमने पढ़ा होगा, आपने कई बार पढ़ा होगा कि शहद एक ऐसी चीज़ है जिसको सालों भर भी रख दिया जाए तो वह खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं वो जो कभी उनको खराब नहीं होने देते। आगे नेक्स्ट है अंडे, एग्स। अंडों में क्या होता है, अंडों में कैल्शियम एवं प्रोटीन पाया जाता है, मतलब रिमिक्स में पाया जाता है, उनमें कुछ प्रोटीन पाया जाता है और कुछ कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अंडों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है। आगे आगे क्या है, मांस। मांस से क्या होता है, मांस से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। ये जंतुओं में होगा, वो पादपों में होगी, मतलब ये मांसाहारी और ये शाकाहारी, ये आप इस प्रकार से कंपेरिजन करा के दोनों का पढ़ सकते हैं। मांस से क्या हमें प्राप्त होता है, तो मांस से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। फ्रेंड्स अगर थोड़ा स्पीड से हो रहा है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, आगे वाले सेशन में थोड़ा धीरे करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स ये था कुछ, इस एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि छोटा टॉपिक आपको पता है 6वीं के टॉपिक है, इतने इतने फैक्ट्स नहीं होते, थोड़े थोड़े फैक्ट्स होते हैं, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े इसमें जितने अपने इंपॉर्टेंट थे वो डाल दिए। तो क्या था, सबसे पहले भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, जल्दी से रिपीट मार लेते हैं। तो भोजन देने कार्यों की आपूर्ति एवं ऊर्जा बनाए रखता है, शरीर की वृद्धि एवं विकास और रोगों से लड़ने की क्षमता बनाए रखता है। अब भोजन के सोर्सेस कौन कौन से है, तो नंबर एक पादपों से, नंबर दो जंतुओं से। तो पादपों से कौन से होता है, तो पादपों से एक अनाज जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। उसके बाद दालें, दालों से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन। सब्जियाँ, सब्जियाँ पौधों के विभिन्न भागों से जैसे जड़, तना, फल, पत्ती, फूल आदि, इनसे हमें सब्जियां प्राप्त होती है। फल या शर्करा पोषक तत्वों से युक्त है और भोज्य पदार्थ है। शर्करा, शर्करा कौन कौन सी होती है, गुड़ हो गए, शक्कर और अन्य मीठे उत्पाद हो गए। मसाले, ये स्वाद है भोजन में, स्वाद एवं पौष्टिकता बढ़ती है मसालों से। उसके बाद तेल, तेल ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। स्फूर्ति पे चाय एवं कॉफ़ी होगी। अब भोजन के स्रोत के रूप में जंतु, मतलब जंतुओं से हमें, जंतुओं के किन किन से सोर्सेस से हमें भोजन प्राप्त होता है। तो नंबर एक दूध, दूध से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम। नंबर दो शहद, शहद में कई औषधीय गुण होते हैं जो इसे खराब नहीं होने देते, कई सालों तक पड़ा रहता है। अंडे, अंडे में कैल्शियम प्रोटीन पाया जाता है, और मांस में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था अपना कक्षा छः का चैप्टर नंबर फर्स्ट, भोजन के स्रोत, सोर्सेस ऑफ भोजन हमने पढ़ा। तो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और बने रहिए हमारे चैनल स्टडी स्किल सक्सेस SSSSS पे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, एंड गुड लक एंड हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।